हेलो। हाँ दीदी, प्रणाम कर रहे हैं। और क्या हाल चाल है? और मम्मी कैसी है? छोटी छठी मैया हमनी से बरत दो हार, हमनी से बरत दो। हाँ देखते हैं, बॉस को तो अभी तक बताया नहीं है छुट्टी के बारे में। कल ऑफिस जाएंगे तो एक बार बॉस से बात कर लेंगे। हाँ वही बोलेंगे बॉस को कि घर में छठ पूजा है तो घर जाना है, तो इसीलिए छुट्टी चाहिए। नहीं, ऑफिस से तो आया अभी जस्ट कुछ देर पहले, फ्रेश होके बैठे हुए। ठीक है दीदी, कल हम बात करते हैं बॉस से, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ठीक, बाय। घर में तो बोल दिए हैं लेकिन बॉस छुट्टी देगा कि नहीं? काम भी बहुत सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है पहले से ही। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठो सर। थैंक यू सर। सर मैं ये बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, इतना सारा काम पेंडेंट सी रखा है यार, तुम कैसे होगा? आज के आज इसको करना होगा, है ना? क्लाइंट रोज हमको फोन करके सुना रहा है, करना होगा ये। तुम लोग के चलते हम लोग सुन रहे हैं रोज। लेकिन सर ये... लेकिन परंतु क्या हो जाता है तुम लोग का हर समय? जब कुछ काम तो लेकिन किंतु परंतु स्टार्ट है तुम लोग का, कैसे होगा? इसको जितना जल्दी हो करके कंप्लीट करके हमको दो। लेकिन सर ये कहना था कि सर गांव में सर मेरा छठ हो रहा है सर, तो उसके लिए सर 4 दिन का सर कल से हमको छुट्टी चाहिए। अरे यार काम अभी इतना सारा पेंडेंसी है, छुट्टी छुट्टी हर समय तुम लोग का छुट्टी लगा हुआ रहता है, काम खत्म करो जल्दी। सर घर में सर छठ हो रहा है सर, और बिहार झारखंड के लिए छठ सर बहुत बड़ा सर। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता हम कुछ नहीं सुनेंगे, पहले काम कंप्लीट करके लाओ। ठीक है सर। ठीक है, चलो। और प्रोजेक्ट दिए थे कंप्लीट हुआ? यस सर, ये सारे प्रोजेक्ट हैं सर, ये सारे डन हो चुके हैं सर। गुड, सारे कंप्लीट हैं सर। गुड, इसका भी हो गया? हाँ सर। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर एक और बात करनी थी। हाँ बोलो ना, बोलो सर। वो चित्रंजन छुट्टी के लिए अप्लाई किया? आज सुबह आया था यार, बोल रहा था, लेकिन इतना सारा काम उसका पेंडिंग है ना, क्या बोले सर। लेकिन आप तो जानते हैं सर बिहार झारखंड में छठ का महत्व। कैसे होगा काम उसका, कैसे होगा उसको छुट्टी दे सर? उसका काम हम लोग सारे एम्प्लॉय लोग मिलकर कर लेंगे सर। अगर कर लेगा तो देख लो एक बार। हाँ सर, अगर हो सकता है तो उसका सर छुट्टी अप्रूव कर दीजिए सर। देख लो एक बार, काम हो जाए तो फिर बोलना हमको, लीव के लिए उसको अप्लाई कर देने बोलना। हाँ क्योंकि सर देख लेंगे, उसको छुट्टी जरूरी है सर, क्योंकि वो ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है इस छुट्टी के चलते। हाँ देख लो, अगर उसका काम तुम लोग सब कर पाएगा तो देख लो, उसको लीव के लिए अप्लाई कर देने बोलना, हम देख लेंगे। ठीक है सर। ओके। चित्रंजन, चित्रंजन, अरे यार तुम इधर बैठा हुआ है, हम तुमको नीचे आवाज दे रहे हैं। चित्रंजन, अरे चित्रंजन। कब आए? अरे यार तुमको नीचे खोज रहे हैं कब से, आवाज देते देते परेशान। बस ऐसे ही बैठे हुए थे ऊपर। क्या क्या कर रहे हो ऐसे बैठकर? क्या करेंगे, कल का तो तुमको पता ही है, बॉस को छुट्टी के लिए अप्लाई की हुई। अरे यार इतना सी बात का टेंशन लेके चल रहे हो। बॉस छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं और घर से बार बार फोन आ रहा है। चलो समझ नहीं, चलो उठो, मेरे पास है एक सॉल्यूशन, चलो उठो। अरे यार हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आए हुए हैं और तुम यहाँ अकेले बैठा हुआ है। कल हम तेरे छुट्टी के लिए बॉस से बात किए हुए थे ऑफिस में, उन्होंने तेरा छुट्टी अप्रूव करने के लिए बोल दिया है।
बस बोले हैं कि तेरा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे हम सारे एम्प्लॉय मिलकर काम कर लेंगे तेरे प्रोजेक्ट्स को लेकर। भाई तुमको पता है कि मेरा घर में छठ हो रहा है, मजाक कर रहे हैं। भाई मजाक का बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अपने अभी मेल करो अपनी छुट्टी के लिए, तेरा छुट्टी अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं मजाक नहीं करता। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो, हाँ दीदी, हाँ प्रणाम कर रहे हैं। हाँ बॉस से बात हुआ था, लीव अप्रूव हो गया है तो आज हम रात में गाड़ी पकड़ेंगे। हाँ हाँ लीव अप्रूव हो गया दीदी। ठीक है दीदी, आते हैं।